नमस्कार, बीसीएन न्यूज के हिंदी बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। पिछले कुछ दिनों में गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने विधायक विनोद अग्रवाल के पास बिजली विभाग के खिलाफ कृषि हेतु बिजली आपूर्ति को खंडित कर दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। बिजली विभाग 8 घंटे बिजली मुहैया करता है। 3 HP की मोटर के हिसाब से बिजली विभाग ने किसानों को 1 लाख से अधिक बिजली बिल भेजे हैं। बिल न भरने पर बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा विद्युत विभाग द्वारा बताया गया था। इसके बाद अनेक किसान भाइयों के खेत की बिजली की आपूर्ति बिल न भरने के चलते खंडित कर दी गई थी। इस पर काटी कासा के किसान भाइयों ने विधायक विनोद अग्रवाल के कार्यालय में भेंट दी, जिसके बाद विधायक विनोद अग्रवाल ने अधीक्षक अभियंता इनके कार्यालय में अपने प्रमुख कार्यकर्ता और अनेक किसान भाइयों के साथ धरना आंदोलन किया। विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा कि किसानों को गलत बिजली बिल भेजा जा रहा है। बिजली विभाग कृषि के लिए 8 घंटे बिजली की आपूर्ति करता है और मोटर 3 HP के ऊपर नहीं होने से मासिक 800 रुपए के ऊपर बिजली बिल नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि किसानों को प्रति तिमाही 2 से 2500 रुपए से अधिक का बिल नहीं देना चाहिए। इसके बावजूद फिर भी किसानों को औसतन 6000 से 8000 रुपए का बिजली बिल भेजा जा चुका है और कुल बिजली बिल लाखों में है। बिजली विभाग द्वारा तुगलकी फरमान जारी करना गलत है कि अगर किसान अपने बिलों का भुगतान नहीं करेगा तो बिजली काट दी जाएगी। इस तरह के लाखों के बिल भेजकर विद्युत विभाग ने किसानों की चेष्टा की है, इसलिए जब तक किसानों के बिजली बिल दुरुस्त नहीं किए जाएंगे तब तक धरना आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा। इस पर अधीक्षक अभियंता ने जिन किसान भाइयों को अधिक बिल दिए गए उन किसान भाइयों ने एक अर्ज के साथ अपने बिल को जोड़कर कार्यालय में जमा करें ऐसी सूचना दी। विद्युत विभाग द्वारा दिए गए बिजली बिल कम किए जाएंगे, ऐसा आश्वासन अधीक्षक अभियंता ने दिया। साथ ही 4 क्वार्टर का नियम है, लेकिन कम से कम 2 क्वार्टर का भुगतान किया तो बिजली कनेक्शन पूर्ववत कर देंगे, ऐसा आश्वासन विधायक विनोद अग्रवाल को अधीक्षक अभियंता ने दिया है। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। Oh, oh, oh.